हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी ये भुने हुए चने के लड्डू। ये बहुत प्रोटीन वाले होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हम छिलके के साथ ही हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो ये मैंने आधा किलो लिया है। तो इसके हम सबसे अब इनके हम लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये सब भुने, इनको निकालती हूँ प्लेट में। फ्रेंड्स, इनके जो छिलके होते हैं ना, इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है और बहुत हेल्दी होते हैं। तो आज हम इनके लड्डू बनाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और झटपट। ये फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते, तो कुछ लिए हैं मैंने थोड़े से। ये छोटी 2 कटोरी मैंने ये मखाने लिए हैं और आधी कटोरी छोटा सा ये बादाम और ये मूंगफली और ये काजू। तो आपको जितना भी कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं भुने हुए चने के लड्डू। सबसे पहले एक कढ़ाई को हम गरम करते हैं और इसमें 1 चम्मच हम घी डालते हैं। और इसमें घी भी बहुत कम लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही हेल्दी बनता है ये। तो चलिए घी को गरम होने देते हैं। घी गरम हो गया है, हम इनको हम भूनेंगे, मूंगफली और काजू को और बादाम सब एक साथ हम इनको अच्छी तरह इनको फ्राई करेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। इनको ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा ही भूनना है। चलिए अब इसी में हम ये भी भूनते हैं, ये भी इनको भी हम सेकते हैं मखानों को, और इनको भी हम भूनेंगे। इनको भी हम अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे मखानों को, और फिर हम ये जब ये ठंडा हो जाए तो हम इन सबको पीसेंगे। आप चाहे तो बारीक पीस सकते हैं या दरदरा, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आप इसको इन सबको एक साथ हमें पीस लेना है। ये देखिए हमारे भून चुके हैं ये मखाने। अब हम इनको निकालते हैं और हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि तो अब हमको इनको जब ठंडा हो जाए तो हम इनको हटाएंगे। तो इसी में हम अपने लड्डू बनाएंगे। ये देखिए सब भून चुके हैं। अब इसी में थोड़ी सी कढ़ाई में हम ये 4-5 ये छोटी इलायची हम इसको भून लेंगे, और ये इसको इसी में ही निकाल लेंगे, और ये हम इनको एक साथ इसी में ही पीसेंगे इलायची को भी। देखिए मैंने इनको साफ कर लिया है और इनके हल्के से थोड़े से छिलके मैंने निकाल दिए हैं, और बाकी इसमें हम आप चाहें तो सारे निकाल लें, लेकिन मैं ऐसे भी अच्छे बनते हैं और बहुत टेस्टी। तो चलिए अब हम इसको पीसेंगे इन सबको। सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके हैं, इन्हें पीसेंगे। देखिए मैंने पीस लिया है, और ये मसाला हमने इसी में निकाल दिया ड्राई फ्रूट्स का। तो ये देखिए हमने ऐसे दरदरा पीसा है। आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं बारीक। तो अब हम पीसेंगे चने। देखिए मैंने साफ कर लिया है, और इसमें देखा कोई पत्थर वत्थर कभी होते हैं तो मैंने साफ कर लिया। अभी मैं इसको पीसूंगी। चलिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच घी और डालते हैं। अब इसमें इसको घी को गरम करते हैं। जो हमारे ये चने का पाउडर है, हम इसमें थोड़ा सा डाल के इसे भूनते हैं। वैसे तो भुना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा घी में भूनना ज़रूरी है, तो इसमें थोड़ा सा घी की खुशबू आएगी। तो ये देखिए, चलिए ये बस इसी में हम इनको भूनते हैं घी में। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस घी में थोड़ा सा मिक्स करना है। ये देखिए हमारे चने, सूखे चने का पाउडर हमने बना लिया है। ये चलिए अब
हमारा ये भून चुका है, हम गैस बंद करते हैं। अब इसके हम इसको दूसरे बर्तन में निकालते हैं, ये हमको इसी बर्तन में हम निकालते हैं इसको। ये देखिए भून गया। चलिए अब मैंने वो भून लिया है। अब आटे, अब इसमें थोड़ा सा कढ़ाई में हम पानी डालें, जरा थोड़ा सा। इसी पानी में हम ये इसमें गुड़ मिलाएंगे। तो ये ब्लैक ब्लैक वाला गुड़ है, पुराना गुड़ है, और आपको जैसा भी गुड़ मिलता है, और इसी को हम गुड़ को हमें पकाना है। तो आप मीठा ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा गुड़ डालिए, और जैसे भी आपको मीठा चाहिए वैसे। तो फिर गुड़ को हम इसमें पकाएंगे, और इसमें एक उबाला लगाएंगे इसमें। तो फिर हम इसको आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए हमारा गुड़ उबल गया है। बस अब इसी स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे, और देखिए कितना अच्छा हुआ। इसमें कोई भी गुड़ की गुठली नहीं आनी चाहिए, इसको पूरे बराबर हमको इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना, ऐसे इस स्टेज पे हमको गैस बंद कर देनी है। अब हम इन सबको इसी में मिलाएंगे। ये चने का पाउडर, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, सारे इसी में मिला के हम इसको मिक्स कर देंगे, और इसको हम ऐसे मिलाएंगे इसको। तो अच्छी तरीके से हम इनको मिलाएंगे, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फ्रेंड्स गुड़ बहुत गर्म होता है, तो इसीलिए हम बहुत सावधानी से बनाने हैं, क्योंकि आपको अपने हाथों का भी ध्यान रखना है, कभी जल ना जाए। इसीलिए थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और इसको ये गुड़ के लड्डू, हमारे चने गुड़ ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाएंगे, और ये गरम गरम में ही बनते हैं, और ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए मिल गया है सब। अब हम इसको, लड्डू थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये। इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा घी गरम करके इसमें मिला देंगे। और इन सबको हम मिलाएंगे। चलिए अब इसके लड्डू बना। चलिए हमारा मटेरियल अब ठंडा हो गया, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप छोटे बड़ा जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए मेरे लड्डू बन गए ये, और इसको जल्दी जल्दी से हम बना के रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से हम लड्डू बनाते हैं, इसके कितने आसानी से बन जाते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए लड्डू हमारे बन गए। तो इसी तरह हम सारे लड्डू बनाएंगे। अगर ये फ्रेंड लड्डू ना बने तो आपको ठंडा हो जाए, तो फिर से हल्का सा थोड़ा सा घी डाल के आप गर्म कीजिए, और ये फटाफट आप बना लीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें थोड़ा सा घी गर्म करके और इसको डाल के फिर बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए लड्डू हमारे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हैं, चने के भुने हुए चने के लड्डू। और ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। आप छोटे बड़े चाय जैसे भी बनाएंगे, तो ये देखिए मेरे आधा किलो चने के इतने लड्डू बने हुए हैं। तो अब इनको मैं देखती हूँ। ये सबसे पहले एक लड्डू मैं कान्हा जी के लिए निकालती हूँ, इसे मैंने निकाल दिया कान्हा जी के लिए। और अब ये देखिए ये कितने सॉफ्ट है, ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हुए हैं हमारे चने के, और बहुत हेल्दी और टेस्टी लड्डू हैं। फ्रेंड्स आप बनाइए और खा के देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, बाय बाय। इन लड्डुओं को किसी एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए और बंद करके रखिए, और जब भी आपको भूख लगे एक गिलास दूध के साथ इसको खाइए। बहुत ही हेल्दी लड्डू आप बना के देखना। तो ये लीजिए, मेरे लड्डू बन के तैयार हैं।